रे, अरे वारे मारी भाज पाते कमल खिलायो रे, पाते कमल खिलायो रे, गाव गाव रे ढणी ढणी में कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, अरे वारे मारी भाज पाते कमल खिलायो रे, अरे वारे मारी भाज पाते कमल खिलायो रे, पाते कमल खिलायो रे। नगरी में मोदी जी कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, अरे गाव गावरी सड़कों रो निर्माण करायो रे, अरे गाव गावरी सड़कों रो निर्माण करायो रे, रो निर्माण करायो रे, गाव गाव रे ढणी ढणी में कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, और उस कार्यक्रम सफल कार्यक्रम के बाद हम सब को अल्लाह का भी करता है तो साथ में इस बात का कर्तव्य बोध भी दिलाता है कि आने वाला समय हमारे सबके लिए चुनौती का समय है। हम चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और आप सब लोगों ने 4 साल 4 महीने पुरानी सरकार के इस कुशासन को देखा है। हर वर्ग बेहाल है, किसान परेशान है, कर्जे माफी की बात कहने वाली सरकार के सामने किसान की जमीन 1, 2, 3 करके नीलाम होनी प्रारंभ हो गई और यह कानून व्यवस्था इतनी जर्जर है कि आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में जी रहा है। बेरोजगारी की दर राजस्थान में सर्वाधिक है, बिजली की दरें लगातार सरकार बढ़ाती जा रही है और उसके साथ ही हमारा कोई भी त्यौहार हो, आज सीपी जोशी साहब ने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को जब ये कहा हनुमान नवमी का अवसर, हनुमान चालीसा का पाठ हम करना चाहते हैं, तुम डीजे के इनाम पर हमारे उस धार्मिक कार्यक्रम का पर प्रतिबंध लगाने का काम करते हो, ये सरकार तुष्टिकरण की नीति अपनाए हुए हैं, इसलिए हम सब लोगों को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। आप सभी सीपी जोशी हो, आप सभी राजेंद्र राठौड़ हो, आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, जब तक इस कुशासन को समाप्त नहीं कर देंगे तब तक मैं ही चौकीदार, मैं ही नरेंद्र मोदी, मैं ही सीपी जोशी, हम मिलकर इस शासन का अंत करेंगे। आप सबके साथ का धन्यवाद करते हुए भारत माता की। विपक्ष के नेता राठौड़ साहब और युवा जुझारू प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का स्वागत है। जनता मुझे कहती है कि यार एक बार हमको सीपी साहब से मिलना है, तो मैं इनको कहता हूँ कि मेरे परिचित होंगे पर यहाँ पे मिलने के लिए किसी की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मिल सकते हो। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, नहीं मैं पिक्चर देखता हूँ, पर मुझे आप लोगों को देख के याद आती है कि जिस तरह तुझमें रब दिखता है यार, सीपी जोशी तुझमें मोदी दिखता है। आज दिन भर आपका ये राज्यपाल राष्ट्रपति अभिभाषण का भाषण सुन रहे थे, इन सबको वो याद हो गया और आज इतनी कट्टरता आपके भाषण से इनके आ गई और आपके पढ़ने के बाद राजस्थान में जनता सड़कों पर हम निपटेंगे सीपी जोशी के साथ और विधानसभा में राठौड़ साहब निपटे से इन छोड़ों से और ये सरकार आएगी और कांग्रेस एक फॉर्चूनर में होके जाएगी, फॉर्चूनर की भी एक सीट खाली रहेगी जिसमें जेट रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं युवा अपने प्रदेश अध्यक्ष सीपी साहब को कहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। भारत माता की, माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच में उपस्थित
विधानसभा में सातवीं बार प्रतिनिधित्व करने वाले और राजस्थान की आवाज बनकर पूरे प्रदेश और विधानसभा में कांग्रेस के नकेल डालने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर रहे हैं। ताली बजाओ, जोरदार बजाओ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के मंत्री भाई श्रीमन सिंह जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी और हमारे मित्र मेरे युवा मोर्चा के साथी शक्ति सिंह जी, हमने युवा मोर्चा में बहुत साथ में काम किया है। मैं आप सबका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आदरणीय राठौड़ साहब और मुझे इस स्वागत से अभिभूत किया और ये सच्चाई है। मैं हर बार कहता हूँ एक कार्यकर्ता के नाते, कार्यकर्ता के बीच में से निकले हुए किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिली है तो कार्यकर्ता से ज्यादा इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं आप और हम सब लोग, लंबा अनुभव हमारे पास है आदरणीय राठौड़ साहब जैसे नेता, बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव और युवाओं का जोश हमारे साथ है कभी है, और पूरी ताकत के साथ जिस सरकार ने हमें धोखा दिया है, जिस सरकार ने हमारे साथ कुठाराघात किया है, जिस सरकार ने प्रभु श्री राम के नारे पर बैन लगाने का काम किया है और जिस सरकार ने दूसरे पर बैन लगाने का काम किया है, उस सरकार पर बैन कब लगाना है, कब लगाना है? 2023 में ऐसा बैन लगाना कि जिंदगी में भगवान श्री राम के बारे में बोलना और हमारे राम दरबार के चरणों में नमन करना। आपके बीच में फिर से आपके हाजिर होंगे, लेकिन ये जोश, ये उत्साह हमेशा बरकरार रहना चाहिए और 2023 और 24 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाना है। भारत माता की जय। भाजपा कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, बीजेपी कमल खिलायो रे, अरे डनी डनी में पानी री सुविधा करवाई रे, अरे डनी डनी में पानी री सुविधा करवाई रे, सुविधा करवाई रे। गाव गाव और डनी डनी में